तो फाइनली मेरा मच अवेटेड पिक्सल 6 ए आ ही गया। मैं पिछले एक साल से परमानेंटली पिक्सल 4 ए यूज़ कर रही हूँ। बीच में मैंने कई सारे फ़ोन चेंज किए लेकिन ये हमेशा ऑन रहा। इसका कॉम्पैक्ट फील, इसके कैमरा इतना अच्छा था कि मैंने ज़्यादातर टाइम इसी को यूज़ किया। बट अब शायद मैं अपने नए पिक्सल 6 ए पर शिफ्ट कर लूँ। ये 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था 44,000 की प्राइस पर। अच्छा हुआ मैंने तब इसे परचेज़ नहीं किया, क्योंकि अब ये मुझे मिल गया है 27,700 में और मुझे नहीं लगता कि ये इससे कम प्राइस में दोबारा कभी मिलेगा। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कल जैसे ही फ्लिपकार्ट की सेल शुरू हुई, तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी मुझे इसे ऑर्डर करने में, क्योंकि फ्लिपकार्ट हर साल कुछ ना कुछ एरर देता ही है। फिर थोड़ी देर बाद सारे ऑफर्स लगाकर मैंने इसे ऑर्डर कर ही दिया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बिल दिखा देती हूँ। ये मुझे पड़ा है 27,728 रुपये में। आप देख सकते हैं जिसे मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड यूज़ करके ऑर्डर किया था, तो सीधा मुझे यहाँ 6,500 का डिस्काउंट मिल गया। तो अब मैं इसका पुल टेप हटा देती हूँ, जल्दी से इसे रिमूव कर देती हूँ, और साथ में ये जो फ्लिपकार्ट की एक्स्ट्रा सील है इसे भी मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये है मेरा पिक्सल 6a 6GB रैम 128GB स्टोरेज में। ये चौक कलर में है, सीधे बोले तो ये थोड़ा वाइट सिल्वर टाइप है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। ये कैमरा इस पर ब्लैक है और ऊपर की साइड में थोड़ा सिल्वर एंड ग्रेइश कलर में है। इसका कलर कॉम्बिनेशन में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसके बॉक्स में देख लेते हैं। यह हमें मिलेगी टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल और आपको ये USB पोर्ट भी मिल जाएगा, और इसके अंदर हमें मिलेगा सिम इजेक्टर टूल। इसका बैक एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का है जो कि ग्लॉसी फिनिश में है, तो फिंगरप्रिंट भी अट्रैक्ट करेगा। इसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है और साइड से भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। इसके राइट साइड में है पावर लॉक अनलॉक बटन, वॉल्यूम बटन। इसके लेफ्ट साइड में है सिम ट्रे, और इसके नीचे हमें मिलता है USB पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन। तो मैं अपना फ़ोन सेट कर लेती हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन का सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहले बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ हमें 6.1 इंच की OLED फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ब्राइट दिख रही है और इसकी पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स तक की है। यहाँ आपको सिर्फ एक पंच होल देखने को मिलेगा। इस डिस्प्ले से मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि यहाँ आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने हायर रिफ्रेश रेट के फ़ोन्स यूज़ नहीं किए हैं तो उनको यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप कोई कंटेंट वॉच करते हैं तो आपको वहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये एक अच्छी क्वालिटी का पैनल है। इसके जो बेजल्स हैं वो S21 FE की तरह नैरो नहीं है, तो थोड़े आपको ज़्यादा नोटिस में आएंगे। 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ ये काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। बड़े फ़ोन्स की तरह इसको चलाने में आपको इससे ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ गूगल ने खुद का चिपसेट यूज़ किया है जिसे गूगल टेंसर के नाम से जानते हैं, और ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है जो कि गूगल 6 एंड 6 प्रो में भी है। इसे आप S21 FE, S21 Ultra में जो एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर है उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको इस प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल रहा है, और ये टाइटन M2 चिप की सिक्योरिटी के साथ भी आता है। अब अगर बात करें इसके कैमरास की, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है 30,000 के मार्केट में। चाहे आप नॉर्मल फ़ोटो खींचें, पोर्ट्रेट फ़ोटो, या फिर आप नाइट फ़ोटोज़ खींचें,
हर जगह ये सबसे आगे रहेगा। हमें यहाँ 12 मेगापिक्सल वाइड जो कि मेन कैमरा है और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। इसमें डुअल LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। इसमें आप 4K 60fps की वीडियो अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। आपको बता दूं, फिलहाल मैंने कैमरा क्वालिटी चेक नहीं की है, फिर भी इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। गूगल दूसरी कंपनीज की तरह 50 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल वाली मार्केटिंग नहीं करता। इनकी इमेज प्रोसेसिंग इतनी अच्छी है कि 12 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के साथ ही ये आईफोन 13, 14 और S22 सीरीज़ को कम्पीट करता है। इसकी कैमरा क्वालिटी का वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अब बात करें बैटरी की, यहाँ हमें 4410 mAh की बैटरी मिलेगी जिसका बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा, वो भी मैं आपको टेस्ट करके ज़रूर बता दूँ। यहाँ 18 वॉट की PD 3.0 की चार्जिंग स्पीड मिल जाती है। यहाँ भी आपको एक पॉइंट बता दूँ कि चार्जिंग स्पीड भी अलग अलग क्वालिटीज़ की होती हैं, इसलिए एप्पल, सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन और गूगल बहुत हाई स्पीड वाली चार्जिंग ना देकर क्वालिटी चार्जिंग पर ही फोकस करते हैं। यहाँ हमें स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है जो कि काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी लाइट भी, तो बैटरी लाइफ में ये भी हेल्प करता है। फिलहाल मैंने इसमें एंड्रॉयड 13 अपडेट नहीं किया है, इस वीडियो के बाद मैं वो अपडेट कर लूँगी। गूगल यहाँ 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करेगा और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है 30,000 के अंदर। या तो आप ये बाय करें या फिर अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो S21F ही बाय करें। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।